इबादत नहीं जुज़्वे इबादत है। अभी किताब छुपी थी, जिसने देखा सजदे में गिरा। रसूल ने कहा वो सजदा था, जुज़्वे इबादत था, किताब छुपी थी। ये किताब जाहिर है, यहाँ जुज़्वे इबादत नहीं होगा। नजरों इला वजहे अली के निबादत, अली का चेहरा देखो इबादत है। क्यों? कि ये जुज़्वे ईमान नहीं, ये कुल्ले ईमान है। अब अबीले समझ में आ गई, फिर अब अबीले आ गई थी, बाद में आई थी, पहले हाथी पलटा, फिर अब अबीले आ गई। अब अबील है जमा, और इसका वाहिद है अल इब्न लुगत के मुताबिक। और सूरह अल काशिया 88 सूरह में कहा अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या वो नहीं देखते। तर्जुमा क्या लिखा होता है जो आपके घरों में कुरान है, ऊंटों की कतार की तरह। अली इब्न कहते हैं दूसरा तर्जुमा ऊंटों की कतार, क्या वो नहीं देखते कि अब अबीलों को कैसे खल किया गया। एक दुआ की अब्दुल मुत्तलिब ने, अब अबीले खल्क होकर आए थी नहीं, खल्क होकर आए, पहले नहीं थी। नूरे मोहम्मद ने हाथ उठाए, अब अबीले खल्क होकर आए। और दूसरा मानी जो हर जो तर्जुमा आपके घरों में मौजूद है, जो हर तर्जुमे में लिखा है, क्या वो नहीं देखते कि ऊंटों की कतार को कैसे खल्क किया गया। मेरे मालिक, ऊंट तो खल्क हो सकते हैं, ये ऊंटों की कतार इकट्ठी कब खल्क हुई थी। मिसाल तो वो देता है जो हो सकती हो, जो हो ना सके वो मिसाल नहीं दिया करता, जो हो ना सके वो मिसाल नहीं। ऊंट खल्क होता है, देख सकते हो ऊंटों की कतार कब खल्क हुई। तो तारीखों ने बताया मस्जिद रसूल में एक बद्दू आया, आगे सवाल दराज किया, या रसूलल्लाह भूखा भी हूं, मिस्कीन मोहताज भी हूं, मुसाफिर भी हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कुछ खैरात कीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। अब रसूल ने इधर उधर देखा, सर नीचे थे, जब देखा कि सर नीचे है, अपने नवासे को गोद में बैठे हसन मुश्तबा को कहा कि सवाली का सवाल पूरा कर। सवाली को लेकर मदीना से बाहर आए, एक घाटी के पास पहुंचे और हाथ से इशारा किया, क्या देखता है कि एक ऊंट चला रहा। कहा क्या काफी है तेरे लिए, कहने लगा मेरा इससे गुजारा नहीं हो। फिर इशारा किया, दूसरा चला, कहने लगा गुजारा नहीं हो। बस वो कहता रहा, हसन मुश्तबा इशारा करते रहे, यहां तक के ऊंटों की कतार मुकम्मल हो गई। 80 ऊंटों की कतार मुकम्मल हुई। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या नहीं देखते हो कि ऊंटों की कतार को कैसे खल्क किया गया। खल्क करके नहीं दिखाया, हाथ से इशारा। देखो अली मुश्किल कुशा ने ऊंटों की कतार सखावत में दी, खैरात में दी, कतार पहले से मौजूद थी तो एक इशारे से सखावत कर दी। यहां कतार तो दरकिनार, एक ऊंट भी मौजूद न था। गैब से बरामद करके पूरी कतार देकर सवाली का सवाल पूरा किया। तखलीक के मराहिल जानते हो, जो आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम ने बताए। इरादा कदर कदा रमजा, ये तखलीक के मराहिल है। कदा रमजा के बाद आमर आता है, कितने मरहले हैं तखलीक के, 6 मराहिल तखलीक के। हसन मुश्तबा हाथ के इशारे से तखलीक के मरहले तय कर रहा है। मौला ये आप कैसे कर रहे हैं, इतने मरहलों से गुजर कर ऊंटों की तखलीक हो रही है। कहा मैं रसूल का नवासा, अली
मुश्किल कुशा है गरीब कर्रार का भी बेटा, ज़हरा बतूल का भी बेटा, जब उसने कुन कहा था ना, कलिमे कुन कहा था, तो वो किसे कहा था? वो हमी को मोहम्मद वाले मोहम्मद को कहा था। तखलीक के तमाम मरहले हमारा ही नूर है, हमें तखलीक के लिए मराहिल तय करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इरादा करते हैं उसका अमल हो जाता है। मैं बात को आसान कर दूं, बात को आसान कर, फलसफा हो गया, बात मुश्किल हो गई, अगर खोलने लग गया तो एक अलग मौजू बन जाएगा। आसान कर देता, मीकाईल आया दरे बतूल पे 76वें सूरह की आयत के मुताबिक, रिस्क लेने आया दरे ज़हरा से, रिस्क लेकर गया कौन? मीकाईल, कायनात में रिस्क बांटने वाला फरिश्ता। जब फरिश्ता कायनात में रिस्क तकसीम करता है, दरे बतूल से आकर रिस्क लेकर जा रहा है, हमारे दर से फरिश्ता भी आकर रिस्क लेकर जाता है। सिर्फ फरिश्ता नहीं, हमको कि हमसे मीकाईल भी आकर रिस्क ले, तो क्या बद्दू को रिस्क देना मुश्किल था हमारे लिए? एक ऊंटनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी, वो भी पहाड़ से निकली थी, वो भी पहाड़ से निकली थी, साले नबी के लिए एक ऊंटनी पहाड़ से निकली, हसन मुश्तफा के लिए 80 ऊंट पहाड़ से निकले। मालिक तेरे नबी की तौहीन तो नहीं हो रही? कहा नहीं, साले नबी में भी इन्हीं का नूर था। साले में भी किसका नूर था? नूरे मोहम्मद था, नूरे मोहम्मद वाले मोहम्मद है, साले में भी नूरे नबूवत है उसमें, और हसन मुश्तफा, हसन मुश्तफा वो है जिसे मेरे मोहम्मद ने अपना अमीर बेटा कह रखा है, क्योंकि मेरे हबीब ने इसे अमीर कह रखा है, इसलिए मुझ रब्बे कायनात की खैरत को गवारा न था कि कायनात में किसी की खैरात हसन मुश्तफा की खैरात से आगे बढ़ जाती है, मेरी खैरत को गवारा न था। और मुक्तदर का राव तब पे मलून बैठा था, हसन मुश्तफा भी थे, मौजूद थे, मुलाकात एक साथ में थे, और मलून ने ऐसा सवाल किया, कहने लगा कि तू अफसल है या मैं अफसल? हसन मुश्तफा से कह रहा है कि तू अफसल है या मैं अफसल? हसन मुश्तफा ने इसका सवाल सुना और फरमाने लगे कि कल भी हमारे, जानते हो ना जनाब हाशिम किस तरह से इस दुनिया में आए थे, कल भी हमारे पांव का अंगूठा तुम्हारे माथे पर था, आज भी हमारे पांव का अंगूठा तुम्हारे ही माथे पे है। मैं अबू तालिब मेरे दादा, फातिमा बिन असद मेरी दादी, रसूलुल्लाह मेरे नाना, उम्मुल मोमिनीन खदीजा मेरी नानी, हैदर कर्रार मेरे बाबा, और